हाय गाइस, आज मैं आपके साथ वही चीज़ें वही बातें कुछ नए तरीके से एक्सटेंड करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रेंड लोगों से, रिलेटिव से। क्योंकि नॉर्मली जो रिलेटिव्स होते हैं बहुत इमोशनली बॉन्डिंग होते हैं हमारे साथ, मतलब एक तरीके से अगर किसी से हम लोग बातें करते हैं या किसी से हम लोग रिलेशन में रहते हैं तो एक इमोशनल बॉन्डिंग एक अलग तरीके से हो जाता है। फिर उस पर फिर इमोशनल अत्याचार भी होता है, या तो फिर फोर्सफुली बोला जाता है भाई ये करना ही है तुझे, नहीं करेगा तो फिर ये करेंगे हम लोग। एक इमोशनल बॉन्डिंग की तरीके से हमको एक ब्लैकमेल किया जाता है इमोशनल तरीके से, आपको पता होगा वो चीज़। तो जहाँ पे भी रिलेशनशिप मेंटेन होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उस समय ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, अगर बंदा अगर अननोन है तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं आती है। हम लोग सोचते नहीं उसके बारे में कि यार इसको कुछ हुआ तो हम लोग क्या सोचेंगे, मतलब क्या करेंगे। अगर किस बंदा अगर अननोन बंदा अगर कोई गिर जाता है तो हमें इतना एक हम लोग इतना प्रायोरिटी नहीं देते, देते हैं लेकिन इतना नहीं देते जितना हम लोग अपने रिलेटिव या अपना जो बॉन्ड होता है, जिनके साथ अपना बॉन्डिंग होता है, उनको हम लोग देते हैं। तो बात इसी बारे में हम लोग आज करने वाले हैं, जो है हमको बोला जाता है कि भाई ये लोगों से बात नहीं करना और ये लोगों से बात करना है। मतलब जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त। तो चलो इसी पॉइंट पे आज बात करते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड सर्कल ये ही बोलते हैं भाई वो मेरा दुश्मन है तो तुझे भी दुश्मन की तरह ही उससे बात करना पड़ेगा, या तो बात नहीं करना है तुझे उसके साथ। ठीक है, तो मेरा दुश्मन तो तेरा भी दुश्मन होना चाहिए। फोर्सफुली बोलते, इमोशनली बोलते हैं भाई ऐसे ही होगा, अदरवाइज डोंट टॉक विथ मी। और वो एक सैड फील करते हैं, एक उनको एक उनका एक ईगो हर्ट हो जाता है कि यार मेरे साथ उसका दुश्मनी है लेकिन मेरा ये जो फ्रेंड है वो उसके साथ बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है एक गलत अप्रोच है, निगेटिव अप्रोच है। आपका जो दुश्मन है, जो बना है, दुश्मन का डेफिनेशन क्या है मैं बताना चाहता हूँ। दुश्मन आपको भी पता है डेफिनेशन क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से डेफिनेशन यह है कि अगर वो बंदा अपने हिसाब से नहीं चले, अपना बुरा सोचे, तो वो अपना दुश्मन हो गया। या उसने हमारे लिए कुछ बुरा किया है पास्ट में और प्रेजेंट में करना चाहता है और फ्यूचर में करेगा, तो वो अपना दुश्मन। यही है ना दुश्मन का डेफिनेशन। तो अगर सोचो दुश्मन हो ही ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड हो जाता है वो कि दुश्मन हो ही ना, तो अगर समझो दुश्मन दुश्मन नहीं है, फ्रेंड है, तो एक अच्छा बॉन्डिंग उसके साथ होता है। नॉर्मली वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। हाँ, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, उसके कुछ रूल्स है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसके लिए वो अपना दुश्मन हो गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रियल लाइफ में देखें तो हमारे हिसाब से जो नहीं चलता है, हमारे बारे में बुरा सोचता है, वो उसको हम लोग कंसिडर करते ये दुश्मन है। नॉर्मली आप लोगों ने इंटरनली जो फैमिली मैटर होते हैं उसमें वैसे ही होता है ना, भाई भाई का दुश्मन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया। हाँ, उसने इतना प्रॉपर्टी ले लिया, मुझे नहीं दिया, तो वो मेरा दुश्मन हो गया। तो बच्चे लोग, आप उनके साथ बात मत करो, वो अंकल के साथ बात मत करो, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। क्यों? मेरा क्वेश्चन है क्यों? अगर आपके साथ उनका दुश्मनी है तो बच्चों लोग का दुश्मनी क्यों होना चाहिए? अगर पेरेंट बोलते हैं बेटा वो हमारे दुश्मन है, उनके साथ बात मत करो, तो बच्चे लोग ने पेरेंट से क्वेश्चन पूछना चाहिए, पापा मम्मी ये आपके दुश्मन हैं, ये आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, हमारे साथ अच्छे से बात करते हैं,
तो क्यों ना हम लोग उनसे अच्छे से बात करें, वही होता है ना गिव एंड टेक वाला, अच्छा बात करो, वही होता है ना, अच्छा बात करो, अच्छा सुनो। तो वही बोलना है मुझे यहाँ पे इसी वीडियो में, कि अगर कोई आपके ऊपर लादता है कि भाई ये आपका दुश्मन है और ये मेरा भी दुश्मन होगा, नहीं, ये निगेटिव थॉट है। शायद वो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, तो प्लीज़ पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, अपने कम्युनिटी में ये मत स्प्रेड करो कि अगर ये मेरा दुश्मन है तो वो तुम्हारा भी दुश्मन होगा, और हो सकता है। क्यों? वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपका है, मतलब आप वो सिचुएशन में ढले हो, आपके बारे में वो वैसे दुश्मनी रखता है, तो वो बात आपके तक ही सीमित रखो, दूसरे तक क्यों सीमित रख रहे हो? तो प्लीज़ हर एक को एक जीने का एक मौका देना चाहिए, हर एक को हर एक के साथ रिलेशन मेंटेन करने का मौका देना चाहिए। तुम्हारा दुश्मन है इसलिए उसका भी दुश्मन होना चाहिए, ऐसे मत करो, उससे क्या होगा, निगेटिविटी फैलेगा, उससे क्या होगा, हमारे कम्युनिटी में डिस्प्यूट होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ऐसी चीज़ें मत स्प्रेड करो जो कम्युनिटी को हार्म करे। थैंक यू।